नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी रणजीत सिंह ने एक बयान दिया, बोले कि कांग्रेस संगठन में बदलाव कांग्रेस जनों के उत्साह के लिए है और कांग्रेस इससे नई ऊर्जा प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि जो बदलाव अब प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने किए हैं वे कांग्रेस को मजबूती भी प्रदान करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब जोरदार तरीके से वापसी करेगी। चौधरी रणजीत सिंह ने आज रानिया हल्के के करीब दर्जन भर गाँव के दौरे पर थे और गांव वाला साहूवाला में जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। उन्होंने भाजपा के 75 पार के नारे पर बोलते हुए कहा कि नारे देना बेकार की बातें हैं, लेकिन सीटों की जीत तय करना जनता के हाथ में है। वहीं उन्होंने कहा कि लोग पहले भी कांग्रेस से दूर नहीं थे, लेकिन अब कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश भाजपा सरकार लोगों की अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई। वहीं महागठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में महागठबंधन की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना या महागठबंधन करना पार्टी के हाईकमान का काम है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में रानिया के 18 गांव में घग्गर का पानी पहुंचाना उनकी देन है। आज इस क्षेत्र में किसान घग्गर के पानी से को मिलने से खुशहाल हैं। इसके अलावा नशे को जड़ से खत्म करना उनका मुख्य मुद्दा रहेगा। उनका प्रयास रहेगा कि नशा बिक्री पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा कभी बिका करता था, लेकिन आज हरियाणा में विशेषकर सिरसा में युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि नशे की बिक्री को नहीं रोक पाना प्रदेश सरकार की नाकामी है। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। मैं बताऊंगी बहुत कल से मेरी कम से कम सब जगह जो बात हो रही है, लाडवा, यमुनानगर, जयाद्री, आपका पलवल, बावल, सब जगह लोगों में इतना जोश आया है। जींद में भी वो कहते हैं जी के लड्डू बन रहे हैं, लोग कहते हैं कांग्रेस खड़ी होगी। कांग्रेस वैसी खड़ी होगी जो 52 और 57 में थी। इस तरह का आरोप था कि कांग्रेस की बाजी बटी हुई है, बीजेपी एक तरफा चुनाव की तरफ आ रहा है, अब क्या रहेगा आगे? देखिए उन नारे लगाने के बेकार की बात है। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, लोग कांग्रेस से दूर नहीं थे, चाहे वो इंदिरा गांधी का युग था, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, जो भी राज चाहे भजनलाल जी का था, मतलब लोगों ने कांग्रेस को बहुत एक अच्छा समझा जो सबके साझी, जिसमें हरिजन गरीब 36 जात के लोग साथ थे वो करा। और हमेशा गांव में जाके लोगों को इंटीरियर में उन्होंने हर तरीके से उठाया, एक आपस में रिश्ता बना हुआ था, सामंजस्य था, जिसका लाभ मिलता रहा। और लोगों ने कभी गैरहाजिर नहीं समझा, समझते थे हमारी सरकार है। पिछले 5 साल में देखिए मोदी जी का एक इंटरनेशनल अलग इशू है, जिसमें मैं भी कुछ बातों से उनसे बहुत सहमत हूँ, पर जब यहाँ स्टेट का मामला आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला आता है, यहाँ लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं है। महागठबंधन की बात मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टी से उनका आपस का भी इतने टकराव है। अगर कोई गठबंधन बनता है और इकट्ठा है तो कांग्रेस भी किसी से दूर नहीं है। ये हमारा मामला AICC की लीडरशिप तय करती है। स्टेट जिन लोगों के हाथ में उन्होंने जिम्मेदारियाँ दे दी, हमारे CLP लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट दो आदमी इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे सलाह करके उन्हें हमारी तरफ से फुली अथोराइज है, वो क्या अपना दृष्टिकोण जब AICC उनसे पूछे करके करें। हम कोई अगेंस्ट नहीं है, ये उन लोगों के पार्टी AICC के विवेक पे है कि गठबंधन किस तरीके का बनता है, उस पर उसको सहमत करेंगे नहीं करेंगे। कई पार्टी का आपस में बहुत कंडीशन शर्तें होती हैं, वो एक शॉर्ट आउट करना आपस का बड़ा टफ मामला है, उसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। इस इलाके का सदा से बहुत डेवलपमेंट करा मैंने 10 साल तक, और लोगों के काम करे हैं, 24 घंटे लोगों से मैं जुड़ा रहा हूँ। लोगों को सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा एक मिला कि मैं लोगों को बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ, जब भी मुझे चाहे कहीं पकड़ सकते हैं, एक आधे घंटे में मुझे जहाँ भी हूँ मेरे से लोगों का कॉन्टैक्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा जिसका कोई पैरेलल दूसरा आदमी है ही नहीं। नंबर दो, कांग्रेस ने हमेशा जैसे इन 18 गाँव में जहाँ खड़े हैं, आप पूछो इस गाँव में नरमा पहले इस गाँव में 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल पर एकड़ था, अब 14-14 क्विंटल नरमा हो रहा है। मतलब फसल का पानी, घग्गर का पानी आ रहा है, कभी सोचा नहीं था। टिब्बों का इलाका होता था, राम गाय फिरती थी, अब तो मौज हो रही है इन लोगों के। तो गांव के लोगों से पूछा, बहुत फर्क पड़ा इस बात का, जो घग्गर का पानी मिला है ना, उसका बहुत बड़ा मैसेज गया इन 18 गाँव में।
मुख्यमंत्री के यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा कल से पहुँचती है? देखिए उनकी अपनी पार्टी है, वो चलाएंगे क्यों नहीं करेंगे, वो अपना करेंगे, फैसला तो लोगों ने करना है, निर्णय तो लोगों का है। उनका नारे का समान विकास किया हमने, उनके नारे का समान विकास किया सब जगह, क्या मानते हैं रानिया विकास हुआ है? देखिए विकास तो क्यों नहीं पे वो करेंगे ना, विकास है ही नहीं, कहाँ विकास हुआ है बताइए, विकास होता तो इस पार्टी को लोग पहले ना अपना लेते। नशा बड़ा मुद्दा है सर, नशा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ 5 साल पहले इस इलाके में नशा नहीं था। मानसा साइड में रोड़ी से परली तरफ और कालाराई से परली तरफ जो इलाका था उसमें नशा था, यहाँ नशा नहीं था। इन 5 साल में हमारे यहाँ ने आगे संत नगर जीवन नगर तक जो क्यों प्योर जो चौधरी बेल्ट है जो खारिया वगैरह पनियाला मोटा इनमें कहीं नशा तो जानते ही नहीं थे चिट्टा क्या है। अब तो यहाँ माँ बाप रोते हैं कि बहुत बुरी हालत हो रही, इन 5 साल में इतना आ गया। लोग जो समझदार आदमी वो ये कहते हैं कि जो 12 साल से 15 साल के 18 साल के बच्चे हैं स्कूलों में नशा आ गया, कहते हैं अगली जनरेशन 10 साल के बाद तो जनरेशन ही लुप्त हो जाएगी, ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। मेरा इनसे प्रॉमिस ये है कि भाई मैं मुझे कैसी उसमें दखल देना पड़े इस इलाके में मैं नशा नहीं पकड़े दूंगा, ये मेरी गारंटी है इनसे। अब पुलिस मिली हुई है, गांव वाले पंचायत जो नए नौजवान लड़कों ने कमेटियां बना रखी हैं उनको नशा बेचने वालों को पकड़ के देते हैं, शाम को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। पुलिस ही सबसे बड़ा दलाली का काम करे। स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है नशा बिक्री का? बिल्कुल फेलियर है जी, बिल्कुल सख्ती से इसको बहुत हैवी हैंड से क्रश कर देना चाहिए।